उसका क्रम में सम्मानित होने उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावहरू पत्रकार साथीहरू सर्वप्रथम तो म ज्येष्ठ नागरिक नगर समिति जुबुलीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्मानित हुन आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय ज्येष्ठ नागरिक जुहरूलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। निश्चय पनि यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भेला गरेर सम्मान गर्ने एउटा हेर्दामा सानो कार्यक्रम जस्तो देखिन्छ तर यसको महत्त्व एकदमै ठुलो छ। यो यस अर्थमा ठुलो छ कि आजको बदलिदो युगको सन्दर्भमा आजको दुनिया जो आधुनिकतातर्फ एकदमै द्रुत गतिले अगाडि बढिरहेको छ, हाम्रो समाज पनि युरोप र अमेरिका जस्तै बन्न खोज्ने आफूलाई देखाउन खोज्ने विशेष गरिकन नयाँ पुस्ता को चाहना को बेलामा र यो सिलसिला अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जो आमा बुवाहरूले आफ्नो यौवन कालमा मेहनत गरेर खेती किसानी गरेर मजदुरी गरेर अर्काको काम गरेर आफ्नो छोराछोरीलाई हुर्काउँछ पढाउँछ लेखाउँछ, जब उसको छोराछोरी पढे लेखेर ठुलो हुन्छ कमाउन थाल्छ उसको बिहेबारी हुन्छ छोरी हो भनेदेखि ससुराली गइहाल्छ, छोरा हो भने आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर पनि आफ्नो कमाउने ठाउँमा जागिर गर्ने ठाउँमा बस्छ, यता घरमा चाहिँ आमा बुवाहरूको बुढेस काल लाग्दै गरेको हुन्छ। त्यतिखेर आमा बुवालाई बुढेस कालमा कुनै किसिमको शारीरिक अप्ठ्यारो पर्दा बिरामी पर्दा अथवा अन्य किसिमको समस्याले जकडिँदा आर्थिक समस्याले उनीहरू पीडित हुँदै गर्दा उनलाई त्यतिखेर स्याहार सुसार गर्ने कोही पनि हुँदैन। जुन छोराछोरीको लागि आफ्नो जवानी तपाईँको श्रममा मेहनतमा पूर्ण रूपले समर्पित गरेको हुन्छ बुढेसकालमा त्यही आमा बुवाहरू हजुरआमा हजुर बुवाहरू एक्लोपना महसुस गर्छ, उनलाई हेरिदिने उनलाई देखिदिने, समयमा डाक्टर जानुपर्ने बेलामा उसँग पैसा हुँदैन, पैसा भए पनि उनलाई हात खुट्टा नचल्दै गर्दाखेरि त्यो पैसाले आफै उठाएर डक्टर कहाँ लाँदैन, उसलाई कसैको सहारा चाहिन्छ त्यति बेला उसले सहारा पाएको हुँदैन। यो आजको यथार्थ हो। हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौँ छोराछोरी अमेरिकामा बसेको हुन्छ डलरमा पैसा कमाइरहेको हुन्छ, हाम्रो 1018 रुपियाँ बराबर उहाँहरूको तपाईँको 100 हुन्छ, यति फरक हुन्छ, हाम्रो 118 रुपियाँ बराबर उहाँहरूको 1 डलर मात्रै हुन्छ, अनि त्यता डलरमा कमाइरहेको हुन्छ, तर आमा बुवाहरू बुढेसकालमा सम्पत्ति हुँदाहुँदै वृद्धाश्रममा गएर बस्ने स्याहार केन्द्रमा गएर बस्ने, अनि जसरी बच्चा आमा बुवाले अनाथ हुन्छ त्यस्तै बुढेसकालमा सबै थोक हुँदाखेरि पनि हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू अनाथ भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो समयमा एउटा युवा पुस्ताहरू जो इन्टरनेटको माध्यमबाट दुनियाँलाई आफ्नो मोबाइलमा हेरिरहेको हुन्छ आफ्नै संस्कार बिर्सिरहेको अवस्था छ। हाम्रो सामाजिक संस्कार विशेष गरिकन हामी यहाँ गाउँघरमा बसेको मान्छे छौँ, सामूहिक परिवारमा बस्ने आमा बुवा बुढेसकालमा हुँदाखेरि उहाँहरूसँगै बस्ने स्याहार सुसार गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू गर्ने, तर अहिले आधुनिकताको बेलामा यो दुनियाँ जति जति परिवर्तन भइरहेको छ जति जति चकाचुन्द भइरहेछ दुनियाँ, तपाईँको युवा पुस्तामा आफ्नो आमा बुवाप्रति हजुरआमा हजुरबुवाप्रति सम्मान गर्ने कुरा पनि घट्दै गइरहेको अवस्थामा यो सम्मान कार्यक्रमले पक्कै पनि फेरि पनि युवाहरूलाई झकझकाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यद्यपि आयोजकले सम्मानित हुने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मात्र होइन कि यहाँको युवाहरूलाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो, बालकहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि यस्तो बेलामा यस्तो कार्यक्रममा बोलाएको भए
उनीहरूलाई पनि बच्चैदेखि ल है हाम्रो के अरे बुढेसकाल लागेको हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले पनि सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई माया दिनुपर्छ, उनीहरूको तपाईँ इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रेरणा उनीहरूमा जागृत हुन्थ्यो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तथापि उहाँहरू नभए पनि आज यो जुन कार्यक्रम हुँदैछ निश्चित रूपमा यसले चाहिँ ठुलो महत्त्व राखेको छ। पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको माध्यमबाट यो समाजमा यस्तो किसिमको विचारहरू हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको इच्छा पनि हुन्छ कि बुढेसकाल लागिसके पछाडि मलाई चाहिँ मेरो छोराछोरीले नाति नातिनीले मैले चाहेको बेला किनभनेदेखि फेरि ज्येष्ठ नागरिक जतिको स्वाभिमान कोही हुँदैन, जबसम्म ज्येष्ठ नागरिक हात खुट्टा चल्छ उसले एक लोटा पानी पनि माग्नको लागि कसैलाई दुःख दिन चाहेन, आफै जान्छ कलमा जान्छ धारामा जान्छ पानी लिएर आउँछ, आफ्नो काम आफै गर्न खोज्छ। हामीले पनि देखिरहेछौँ हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमा सरहको उमेरको मान्छेहरूलाई अहिले पनि बारीमा गएर तपाईँको अरू ठुलो काम गर्न सक्छ खुर्पी लिएर बाढी चाहिँ त्यो के अरे गोडिरहेको हुन्छ, यति स्वाभिमान हुन्छ हाम्रो वृद्ध वृद्धाहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू हाम्रो समाजमा। त्यस कारणले त्यसै पनि अर्काको सहारा आफ्नो शरीर आफ्नो क्षमता हुने चाहेको हुँदैन, तर जब उसको शरीरले काम गर्दैन निश्चित रूपमा हामी सबैले म पनि एक दिन बुढो होला मेरो पनि अवस्था त्यस्तो किसिमको अवस्था आउँछ अनि म त्यो दिन मेरो छोरा मसँग भइदिएको भए हुन्थ्यो मेरो नाति नातिनी मैसँग भएको भए हुन्थ्यो कि मैले एक ग्लास पानी मलाई जुन बेला इच्छा हुन्छ पिउनको लागि यसो मैले माग्दाखेरि ल्याइदिने भन्ने यो संस्कार घट्दै गइरहेको छ हाम्रो समाजमा। मैले देखिरहेको छु तपाईँको सम्पत्ति टन्नै छोराछोरी अमेरिकामा डक्टर छ आफूलाई प्यारालाइसिस भएको छ तर उसले चाहिँ तपाईँको विराटनगर गएर प्यारालाइसिस भएको मान्छेले मैले चाहिँ के अरे थेरापी गराउनु छ मालिस भन्छ त्यसलाई मालिस गराउनु छ डक्टरकोमा अनि उसलाई चाहिँ लाने कोही हुँदैन यस्तो पनि मैले देखेको छु। निश्चित रूपमा यो चाहिँ आधुनिकतासँगै यो चुनौतीहरू पनि बढिरहेको छ। तथापि हामी जो जहाँ छौँ जसको आम छोराछोरी छैन घरमा काम विशेषले बाहिर छ आफ्नो कमाइको आफ्नो जागिरको आफ्नो व्यापारको सिलसिलामा बाहिर छ भने पनि हामी छेउछाउको मान्छेको पनि त्यति बेला कर्तव्य हुन्छ कि हामीले अलिकति सहारा दिँदाखेरि त्यो पीडित भएको मान्छेलाई थोरै भए पनि अलिकति सुकुन महसुस हुन्छ उसले चाहिँ तपाईँको आफूलाई चाहिँ तपाईँको के अरे सुरक्षित महसुस गर्छ भन्ने पनि मेरो आग्रह हो। र नगरपालिकाले यही कुरालाई विचार गर्दै अस्ति भर्खर तपाईँको मैले देखेको छु मेरै गाउँ म बारम्बार भन्छु मेरै गाउँमा एकजनाले चिया पसल गरेर छोराछोरी हुर्कायो, एउटा छोरा कोरियामा कमाउँदैछ अहिले पनि कोरियामा छ, एउटा छोरा कुवैत गएर कमायो उसले पक्काको घर बनाएको छ होइन। तर मैले त्यो मान्छेलाई म नाम भन्दिनँ, जब तपाईँको त्यो के अरे बुढेसकाल लाग्यो उसको आँखामा मोतियाबिन्दु भयो मोतियाबिन्दु सामान्य भएर उसले चाहिँ इलाज गराउन सकेन अन्ततोगत दुइटै आँखा उसको बिग्रियो। मोतियाबिन्दु सामान्य रोग हो तर मोतियाबिन्दु जब बिग्रिन्छ त्यसको इलाज दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। तपाईँ अमेरिकामा गए पनि सबभन्दा धनी देश सबभन्दा ठुलो ठुलो डाक्टर र वैज्ञानिक भएको देश त्यहाँ पनि त्यसको इलाज हुँदैन। त्यस कारणले मैले त्यो कुरालाई महसुस गरेँ र गत वर्षदेखि नै तपाईँको जो के अरे आँखा शिविर मैले सञ्चालन गरेको छु। पोहोर साल 425 जनाले अपरेसन गराएको थियो भने यसपालि 583 जनाले गराएको छ यहीँ पनि होलमा होला। अरू साल 425 जना करोडकी छन् यी बेर 583 जना मोतियाबिन्दु सामान्य छ कि लेकिन आदमीको कखनो फुर्सद नै छ जकरा पैसा छ घर घरके कामसँग फुर्सद आर कामसँग फुर्सद जकरा फुर्सद छ ओकर सँगै पैसा नै यथै ग्राम समूह के अरे जल कल्याणमे एउटा छुम्मा आँखा त्यो हस्पिटल छ उसले अपरेसन रहेछ उतै 10 रुपियाँ कि 15 रुपियाँ छ पुर्जी काटिके बच्चाले यदि तोरा यिनीहरू 3 बिमारी लेखिदिएको या कथौ विराटनगर आँखा अस्पतालमा जचलै या कथौ जचलै तोरा मोतियाबिन्दुको अपरेसन जलबिन्दुको अपरेसन
या आँखामै मासु पलाउनको अपरेसन यो लेखिदिनुको मत गरे या अपरेसन सिधे नगरपालिका जब तक हम मेयर छौँ यो शिविर त खाल प्रचार गर्ने किन गर्छ जहाँ आदमी जागरुक आओ ऊ आफ्नै ठाउँमा मतलब के सेवा पाओ लेकिन पाछु भी हाल छिटारो त जकरा जति जखरे समस्या छ बाह्रौँ मास सिधे नगरपालिकामै जो स्वास्थ्य शाखा छ त्यहाँ सिधे डाक्टरलाई लिखल जर छ अपरेसन ऊ त्यो द्या दे तुरन्त एकटा सिफारिस लेखिदिनु विराट आँखा हस्पिटलमै जो र मजासँग अपरेसन गरे ठिक गरे त एकटा हामी ककरलाई गर्ने नयाँ उमेरकै त कखरो कखरो अपरेसन होइ छ प्रायः ज्येष्ठ नागरिक सब छ नि यो एउटा हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक प्रतिके एकटा सम्मान छ भर्खरद्वारा बाह्रवटा वाडामे अपाङ्गता शिविर सञ्चालन भएको छ अपाङ्गता शिविरमा हाम्रा से जो सेक्जे छु मतलब अपाङ्गता कार्ड छ के अरे ज्येष्ठ नागरिक दर्ता इनामी हेलो छ के अरे अपाङ्गता सम्बन्धमा खतरजना नवीकरण गरल कि बाह्रवटा वार्डले आफ्नो ठाउँमा जाके तकर बाद दुई सय के अरे आठजना के नयाँ कार्ड भी वितरण भयो अपाङ्गता सम्बन्धी जे छ जन्मथै कोही अपाङ्ग छ कोही एक्सिडेन्ट हालके अपाङ्ग छ कोही काम गर्दै गर्दै मेसिनमे हात टाङ हात कुनो घुमाएको अपाङ्ग छ कोही कुनै छ प्राय मतलब ज्येष्ठ नागरिक सब अपने मतलब प्यारालाइसिस के सिकाए अथवा अन्य किसिमका कारण से नसाके प्रॉब्लम से यदि ओकरा हाथ खुट्टा नै चल्छ त उनी सबके लागि छ त्यहाँ खातिर एउटा बेर प्रचार गरे लेकिन हम बाह्रवटा वार्डमे उनी शिविर गर्ने छ शिविर गरी क्याके एउटा ओथोग्रान उकर लगले जकरा जरेनके प्रॉब्लम छ जरेन कपुर व्हील चेयर चाहिँ ओकरा एउटा व्यवस्था गर्न लगले जकरा बैसाखी चाहिँ त उरेन व्यवस्था गर्न लगले जकरा थेरेपी चाहिँ मतलब सामान्य घर तो ओकर घरेमै पुग्दै जाऊ डाक्टर नगरपालिका ओकर त मालिस गरे लेकिन ऊ के अरे डक्टर हिसाबसँग ओकर थेरापी छ मालिस या फेरि जे घरमै राखिके भी ओकरा यदि थेरापी गरेको एउटा आदमी ठिक नै छ त ओकरा थप उपचारको आवश्यकता छ त ओकरा उपचार गरे लेकिन सम्बन्धित हस्पिटलमे लाजल जति आँखा उपचारमा यी बेर हम 18 लाख बेसी खर्च गरौँ अखन त अब फेर यति त फेर आएर बढ्नै जति यहाँ एउटा अपाङ्गता सम्बन्धीमा दुबी नगरपालिकाद्वारा 3 वर्षमै हम 56 लाख छुट्याएर छ उनीहरू बालबच्चासँग ल्याएके बुढेसकाल तक एउटा कारणसँग बुढे फेरि यदि समस्या हेर्छ त उनीहरूले नगरपालिका आफ्नो आफ्नो स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नु पर्छ पहिला त यो के अरे दुबी नगरपालिका पहिला दुबी मात्रै रहे त दुबी आएर भलुवा मिले दुबी भलुवा बने अपने सोनापुर तनमुना के अरे सिमरिया पुरुकुसा सबटा मिलाएको बन्दछ त स्वास्थ्य चौकी कमी हेल छ बिहार पैसाको छेउ गते जति जति जेर वार्डको स्वास्थ्य चौकी छ सबटा गाउँ उद्घाटन गरिरहेको छ सबटा भवन बनिकिने छ क्या त मतलब के अरे अब दुई नम्बरको आदमी छ त दुई नम्बरमा स्वास्थ्य चौकी रहे अख्ने के अरे यहाँ बेर भर्खर डाक्टर भर्ना गरी क्याके निकाल्ने छ भ्याकेन्सी एउटा सर्ट भर्ना गरी क्याके अनि दुई नम्बरको वाडा कार्यालय जति छ उत्यो उपचार गर्नु छ यहाँ तर बग्दै दिसहरू उठाएको छ दुई नम्बरको आदमी उत्यो जति 5 नम्बरमा नै छ 5 नम्बरमा फेरि अनि लुनकरण दास च्यारिटीमा ज्याग गराएर छ ठ्याक्कै तोरा एउटा दुबी सुबी मन्दिर जे छ उठाएको 5 नम्बरमा बनिरहेको छ उत्यो कारण जति 6 नम्बरमा नै छ काली मन्दिरको छेउमा बनि गेलिस 4 नम्बरमा छ मलहट्टीमा बनि गेलिस 3 नम्बरमै नै छ बर्सनपुरमै पनि गिलिस यार बैशाख छ गते हौ एकैचोटि सौटाको उद्घाटन गरेँ एक रिन कुनैटा काम छ 9 नम्बरमै नै छ त्यही कारण बालपुडके उटा काट मुसरिरके एक रिन पुरु दक्षिणको उतै बन्ल छ सौटा उ गरिरहेको छ भने हरेक वाडाके आदमी आफ्नो ठाउँमै जाके काम त अपाङ्ग छ सहारा कोहीले छ कमसेकम नजिक रहेछ त कोही पनि सहारा दिए अब दुबी लागे पर्ले 12 नम्बरको आदमी के 9 नम्बरको आदमी के देख्दै हाम्रा फुर्सद नै छ आज कहिले त्यो उल्टा कारण चाहिँ आफ्नै ठाउँमै उपचार पाओ ज्येष्ठ नागरिक सब कमसेकम बेसी से बेसी मतलब ओकरा कमसेकम परेशानी बेसी से बेसी ओकरा के अरे सहज ढङ्गसँग उपचार पाओ कहीँ क्याके गरिरहेको छ तेस्रो बात रहल यो तोरा उनको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा अखने कुन गर्छ यसै कारण जनप्रतिनिधि सब छ तुरन्त कखरो बिमारी हुन्छ अनि सहयोगको लागि नगरपालिका पठाइदिन्छ अब नगरपालिका त कता गर्दै सहयोग एक त सहयोग गरे लेकिन कानुन बन्दै छ त यो प्रवि एक दिनले ठिकै छ एकदमै आवश्यकता छ त
पाँच दस हजार पर ओकरसे बेसी तो नगरपालिका नहीं कर सकते, लेकिन हमरा से स्वास्थ्य बीमा कर एक लाख तक के इलाज फ्री में पे वह खातिर हम सब से अनुरोध कर अपन अपन स्वास्थ्य बीमा करा पड़े हम तो कौन दिन करेंगे से था नहीं है आदमी कौन है आज तो हम ठीक है हमारा कौन जरूरी है हमारे घर में सब ठीक है अरे सौ दिन हमारा से काम कर बाहर जैसे रोड में लड़ अपने चारों में रोड बनी गए मोटरसाइकिल ऊपर से कूदी रहा है रिक्शा कूदी रहा है ऑटो कूदी रहा है सिटी रिक्शा कूदी रहा है ट्रैक्टर कूदी रहा है कोनो कथौ भगवान नहीं करो ककरो संग आओ लेकिन भय जैसे नहीं कथौ भी मतलब या कोनो अपरछट कोनो बीमारी पड़ गई के जान तो अगर हमारे स्वास्थ्य बीमा 2025 की 3000 करना उतना करा के हमारे से लाख रुपया के उपचार के चलते क्या नहीं करो वह खातिर सब आग्रह जे स्वास्थ्य बीमा करा पड़ते लेकिन ई टाइम हम कौन देख ले जे स्वास्थ्य बीमा भी करावे कितना जन नहीं खोज सी तो सामान्य बीमार है तो जाए पड़े स्वास्थ्य बीमा तो उठा भजे लेकिन कि तो नोवेल जाए पड़े कि तो कोसी अस्पताल जाए पड़े या तो एक बीमारी 5-10 हजार खर्चा है वाला एक दिन जाए लेकिन नहीं खोज बड़ो एत सामुदायिक में जाके अथवा प्राइवेट क्लिनिक में जाके कर इलाज उठा कारण से स्वास्थ्य बीमा करे लेकिन हिचकिचा रहा कि हमरा महसूस नहीं वह खातिर दूबी में एक नगर अस्पताल बना लेकिन हम जोड़ तोड़ के साथ लागल से आ दू चार दिन में DPR के रिपोर्ट अती उम्र कर आदमी भलवा दिश कर था अती नजिक के माटो परीक्षण कराने चल भलवा फील्ड के जस्टे पक्षी यहाँ दूटा बीचे में 12 नंबर के नजिक 11 नंबर के नजिक 7 नंबर के नजिक 2 नंबर के नजिक 10 नंबर के नजिक 9 नंबर के नजिक आ तो 12टा वार्ड करे साक्षी लेकिन बाजार के आदमी तो किनेंगे से बाजार बैठे वाला के आर बेसी व्यापार बिजनेस कौन कौन है तो से तो कथो प्राइवेटो में चल जैसे लेकिन ये बग गरीब गुरब आदमी सब जरा मतलब के आर्थिक अभाव से ओकरा से एक दिन अप्ठारो है वह खातिर हमार प्रयास से इह बेर काम शुरू हाओ हम लागि रहल छे 18 करोड़ के लागत में 15 बेड के 1500 हॉस्पिटल एकरा नगर अस्पताल निर्माण थे तो स्वास्थ्य बीमा ने कौन कर लेते निर्माण काम चलते मात्र एक वर्ष 2 वर्ष के भीतरी में बनते कितना झन बहुत बूढ़ है एक हमें नहीं पेबी तो हमारे आए वाला पीढ़ी सब गोटा उपयोग करोस कही क्या के हमारा से हमें नगर अस्पताल के निर्माण में लागि ताकि दुबी के जनता के स्वास्थ्य बीमा के उपचार एथे से यदि शुरू हेतु तब आदमी के सजिलो हेतु गोटा बीमो करा लेकिन कंजा उत्साहित हेतु उपचार पावे लेकिन भी उग्रसाके सजिलो हेतु रेफर करते जते ग्राम ओते ग्राम वो उतना पैसा के छूट के मतलब उपचार हेतु वह कारण से दुबी नगर पालिका स्वास्थ्य क्षेत्र में हम काम अगाड़ी बढ़ा रहा छी हम बेसी आओ भूमिका नहीं बांधने क्या एक बुढ़ो वृद्ध सब आदमी सब को स्वास्थ्य तो बहुत हो दुबी नगर पालिका के स्वास्थ्य भी रसुनसरी जिला में दुबी के जितना हेल्थ पोस्ट से अपने छोटा हेल्थ पोस्ट में फिर बर्थिंग सेंटर आर सुरक्षित गर्भपतन दुईटा सेवा आर सुनसरी जिला में 12टा पालिका से नगर पालिका गाँव पालिका हरेक हेल्थ पोस्ट में सुविधा का फोन देव इे से तो झन वीडियो एक्सरे मशीन महिला सब के जे विभिन्न किस्म के बिरामी जे है मतलब गर्भवती महिला सब सब सारा उतरे लेकिन आ ज्येष्ठ नागरिक के या कार्यक्रम जे हम शुरू करने पहलकर चरण के कार्यक्रम छे इटा ज्येष्ठ नागरिक के आर अपांगता के कार्ड ठाव में बनाना उकरना जे भरकर सम्पन्न है 12टा वार्ड में या शुरू हुई थी हमारे से उन्हें ज्येष्ठ नागरिक के छनौट करी जाए के अपांगता के विशेष ग्राहकता दया के जकर हाथ का नहीं चल सी या मतलब के एक हाथ नहीं चल सी एकदम ज्येष्ठ नागरिक असहाय उन्हें हमारा से एकटा मतलब एक किस्म के प्रशिक्षण सामान्य घर में बैठी कौन काम कर सकते और एक किस्म के टांगे दुईटा नहीं हम घर में बैठी के मुड़ा बुने सकते कि मोमबत्ती बना सकते कि अगरबत्ती बना सकते कि बिस्कुट के पैकेट मोड़े सकते कि कौन करे सकते वो वक्त के ट्रेनिंग तकर बाद उन्हें काम करे लेकिन व्यू पूंजी जरे इटा टोला में 5 जन निकल लेते 5 जना के एकटा काम करे कितना पैसा चाहिए तो 10 हजार ल 10 हजार व्यवस्था करी क्या के पैसा पूंजी नहीं लगा पड़ती पहलकर पूंजी हमारा से देवे नगर पालिका देती
उटा हमर कार्यक्रम छे नगरपालिका देथि तो अपना उ करते एक बेर दु बारम्बार तो अपना बहन बेस थे दुई पैसा थे फिर बहन लगत है तो ये बक्से दुर्गामी एक मतलब उद्देश्य लैके उसे ज्येष्ठ नागरिक ज्येष्ठ नागरिक के वृद्ध वृद्धा के लिए अपांगता के लिए उसे एक कार्यक्रम लैके आबि रहा जल्दी ये भी है परवे साल शुरू है वाला है लेकिन कोरोना वायरस के कारण से परो साल नहीं शुरू है सागर की ये बेर भर बारहटा वार्ड में सकल कार्यक्रम अगड़ी बढ़ते दोसर बात यह जरा वास्तव में अब सबके मतलब चेतनशील छे हमरा लाग्छ कि हम तो सबके अपन अपन मुख में मास्क लगा के कोरोना के प्रकोप फिर बढ़ गए इंडिया में मात्र काल तरह 1,00,000 से बेसी कोरोना पॉजिटिव निकल नेपाल में करीब करीब 1-2 जना दुई चार जना देखे कालू न्यूज तो हमने सुने परसुकर न्यूज में 75 जना शायद कालू 100 से बेसी बढ़े नेपाल में 100 से बेसी कोरोना पॉजिटिव फिर देख लगे कोरोना के प्रकोप फिर बढ़ रहा है यद्यपि कोरोना के सुइया कतना जन ले लगे अब कोरोना के सुइया सरकार के नीति कौन सी जे 65 वर्ष से ऊपर के मात्र कोरोना के सुइया दिल जेते देश भरी में बैठ गए एक दुबी नगर पालिका अफवाह दे हम कहने जो 65 होने 55 बारे दिन पड़ा दुबी नगर पालिका में 55 वर्ष से ऊपर ना दिल गए लेकिन आर कतना पत्रकार साथी सब टेलीविजन से लोसा बहुत पालिका घूम बहुत ठाव गए 65 से हेट खत्म लेकिन दुबी नगर पालिका हम 10 वर्ष एक चोटी घटा के 55 वर्ष की उम्र से जगह कोरोना के सुइया आ दोसर सुइया 28 दिन में ले तो सुरक्षित है मतलब जरें बच्चा में के दी BCG के टीका पोलियो के खो DTT के कुन के तो उटा बच्चा उटा रोग उटा रोग नहीं हरा छे वो जीवन पर्यंत मतलब जब तक वो जीवित छे उटा रोग ओकरा लागबे नहीं करते क्या तो उटा के वायरस जब चले छे ओकर लगत तो उटा ओकर शरीर में उटा लड़े के क्षमता रहे वही कोरोना छे कोरोना या इटा दुनिया से नहीं मिटते कहीं लेकिन इना वैक्सीन जो लगे छे इना कौन छे जे कोरोना रहते रहते लेकिन दुईटा खोप लगाके बाद तो कोरोना ओकरा नहीं पकड़ती वो बक्से आर एक खोप बाकी छे 28 दिन में लगाना चाहिए लेकिन ढिलो भै रहा है इटा ढिलो को कारण नगर पालिका नहीं कोई भी निजी कंपनी तो नहीं किन सकते एक सरकार दोसर सरकार जते जते पीछे ओते से विकसित देश ना से मंगा के तो भर्खर जब चाइना से 8,00,000 शायद डोज एल से 2-3 दिन अगाड़ी और 8,00,000 डोज या कते कते वितरण कर से अगर फिर दुबी नगर पालिका में तो जे कोरोना के खोप ले फिर तोरसा के लेवे पड़लू अगर तोरसा के वार्ड में जो हमारे साथ प्रचार करबे करबे 10 टा काम रहतु 20 टा काम रहतु उटा समय में 10-20 काम छोड़ के आगे पहला सुइया चाहिए सब गया लगा ले उटा हम आग लग पड़ तो हमारे से कोरोना सुरक्षित रह अगर तब तक पुछे हमारे साथ मास्क लगा पड़े उन्हें भीड़ भाड़ में ठाव में जैसे साबुन पानी इन सबटा खाए छू हाथ खुट्टा धोए पड़े सुरक्षित रहे पड़े सर सफाई राखे पड़े इटा हम आग्रह कर चाहूँ इटा यहाँ अपना हमारे साथ जीवित ज्येष्ठ नागरिक 65 से ऊपर कहे 65 से ऊपर निश्चित रूप में संवैधानिक अनुसार 65 से ऊपर ज्येष्ठ नागरिक 70 से ऊपर जैसे तो भत्ता भी से लेकिन हम 55 वर्ष में घटाए 10 वर्ष हम घटाए 55 में आने देने तो हमारे से आगे जो अपने कोरोना काल में यो न वो कर दी हमारे से ज्येष्ठ नागरिक सब आप ही में हमारे से सुरक्षित हुए कोरोना के दृष्टिकोण से कोरोना से सुरक्षित हेते मात्र अन्य लोग से भी हमारे से आगे लड़े के क्षमता रहते हमारे से उन्हें सामना कर खातिर और बेसी समय नहीं लगे आग्रह करे लगी चाहते नगर पालिका के कार्यक्रम जखने जखने ये तो इना आने चासो राते पड़े कतना जन कोरोना से छुटली कतना जन आँख नहीं जचल की हम तो कहें घर घर जो आँख जचा जकरा एक प्रॉब्लम पैसा लागबे नहीं कर से जचा कही दे तू नहीं आ रहा एक बच्चा तोरा या 6 महीना बस दे तोरा रहे पड़तो तोरा नहीं लागतो अपने लेकिन तोर स्टेज उठा जा रहा छो अपने आप के थाय से जरे हमारे आँख में मोतिया बिंदु नहीं हुए अपने लेकिन हमारे आँख खराब भैया वोटा आँखिक डॉक्टर कही दे जो 6 महीना 10 दिन 2 वर्ष अगर 5 वर्ष अपने तोरा उठा चिंता नहीं पड़ती कह दे तो यदि 6 महीना कही दिल गई तो हम सचेत है ना अपने हमारा मोतिया बिंदु नहीं है 6 महीना बाद अच्छा 10 से 15 टका लगते पुर्जी काटे के सरकारी या खास लोग देखा दे तो 6 महीना या 7 महीना बाद हम देखने हमारा उठा देखे तो हम तुरंत नगर पालिका चलो फ्री में हमारे इलाज होते ऑपरेशन होते वह खातिर से
हम आग्रह कर लेकिन चाहूँ जो इना अवसर से कोई नहीं छूटे तब तो हमारे के समाज बढ़िया हेती हमारे समाज बढ़िया हेती ज्येष्ठ नागरिक ना भी बढ़िया हेती स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्येष्ठ नागरिक ना भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया हेती तो हमारे आगे वाला पीढ़ी शिक्षित शिक्षित होकर से अपने बाप दादा माय बाप से शिक्षित ज्येष्ठ नागरिक सबसे शिक्षित बढ़िया बात सब वह खातिर उन्हें देन तो के आवश्यकता के कारण से भी स्वास्थ्य संबंधित नगर पालिका के हर एक कार्यक्रम से नजिक रहे पड़े सहभागी हो पड़े नाम सहयोग करे पड़े तो हमारे से एक ज्येष्ठ मैत्री समाज के निर्माण कर ली कहीं के विश्वास दिल थे पुनः हमसे ज्येष्ठ नागरिक समाज दुरी अध्यक्ष हैदर अली लगायत और समिति के संपूर्ण पदाधिकारी सदस्य आर इत सम्मानित हाँ संपूर्ण आदरणीय महानुभाव सबके हार्दिक धन्यवाद ये थे हमारे बनाए ये थे अंत कर धन्यवाद नमस्कार।